राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 4 घंटे के सफर के बाद आखिरकार हम आ गए हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के परिसर में जिसने भारत को 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। लेकिन बख्तियार खिलजी की लगाई गई आग की वजह से आज ये जगह बस खाली खंडर बनकर रह चुकी है। नालंदा भग्रवेश की दीवारें पंचम स्वर में गाती है अतीत के गर्भगीत। ये खंडर आज भी करते हैं सहस्त्रताब्दी से संवाद। ये दीवारें रोती हैं अपने नहीं अपने संतति की दुर्भाग्य पर। महीनों तक आग की तपिश और सदियों तक जमीन दोज होने के दर्द के बावजूद आज भी ये दीवारें सर उठाकर खड़ी है। इन दीवारों पर अब छत नहीं, पाटलिपुत्र मगध का स्वर्णिम अतीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे इन खंडर हो चुकी दीवारों की कहानी। ईसा की 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर 4 दीवारी से घिरा था। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। दोस्तों ध्यान से देखिए इस इमारत को। यह 9 मंजिला पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगुंज था। इस जगह को हमने और हमारे बच्चों ने बहुत गहराई से जाना। इस लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। यहाँ पर लगभग सभी विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भी पूरे विश्व से आते थे। चीनी यात्री हुएन सांग की डायरी के मुताबिक यहाँ छोटे बड़े 111 छात्रवासों में से छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। अनेक व्याख्यान कक्ष और करीब 300 कमरों का छात्रवास। बख्तियार खिलजी की लगाई गई आग की वजह से विश्वविद्यालय की पुस्तकें तालपत्र लगभग 6 महीने तक जलते रहे थे। यहाँ हमारी नजर पड़ी प्रसिद्ध सारिपुत्र के स्तूप पर भी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है वो सब नालंदा से आया था। फिर हम चल पड़े प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर देखने। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर तो अभी नहीं रहा है लेकिन उसके अवशेष जरूर हैं। मेरे पीछे जो इमारत आप देख पा रहे हैं उसी के अंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति के अवशेष बचे हुए हैं। ये देखिए अंदर से ऐसे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली मॉनेस्ट्री पे, नंबर 6। दोस्तों विहार मतलब तो आपको पता ही होगा, ये भिक्षुओं को रहने की जगह थी। यहीं पर वो आकर आराम करते थे, विचार विमर्श करते थे। अब चलते हैं देखने एक बहुत गहरा कुआं। उस समय में यही पानी का मेन स्रोत हुआ करता था। दोस्तों नालंदा आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शुमार है। आज का सफर इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।